सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में पुलिस अफसरान की तरक्कियां, जुबैर दरेशक को डीआईजी के ओहदे पर तरक्की मिल गई, एसएसपी अजहर अकरम भी डीआईजी बन गए, एसएसपी एसएन यूनस को भी डीआईजी का ओहदा मिल गया, सीईओ सैफ सेफ सिटी अथॉरिटी अकबर नासिर भी डीआईजी हो गए, एसएसपी तैयब हफीज चीमा भी डीआईजी के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट का मसाजिद और मजारात के वजू का पानी पौधों को लगाने का हुक्म, ऑटोमेटिक सिस्टम पर मुंतकिल ना होने वाले सर्विस स्टेशन 10 रोज में बंद कर दिए जाएंगे, अदालती अहकामात पर अमल ना करने वालों को जेल भिजवा देंगे, तमाम प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से पानी के बिल वसूल किए जाएंगे, जस्टिस अकबर कुरैशी के रिमार्क्स, पानी की एक एक बूंद कीमती है, अदालती हुक्म पर मनोन अमल दरामद करवाया जाए, चीफ सेक्रेटरी यूसुफ नसीम खोकर की मीडिया से गुफ्तगू। अब मामलात इस तरह नहीं चलेंगे, काम करना होगा, फोटो सेशन की बजाय अमली इकदाम किए जाएंगे और नतायज दिए जाएंगे, आम आदमी के मसाइल को हल ना करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास से खिताब। घरों पर फी मरला 86 रुपए माहाना इजाफी टैक्स लगेगा, कमर्शियल इस्तेमाल की जगह पर फी मरला 430 रुपए टैक्स होगा, इंडस्ट्रीज से फी मरला सफाई के लिए 86 रुपए टैक्स की तजवीज, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से फी टन 544 रुपए वसूल किए जाएंगे, एलडब्ल्यूएमसी सफाई टैक्स से 8 अरब 28 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी, टैक्स के नफाज का फैसला कैबिनेट कमेटी पंजाब से मशरूत होगा, वर्किंग पेपर की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। बदतरफियों का डर ना खौफे खुदा, मसीहाओं ने हठधर्मी को ना छोड़ा, शेखजद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल, वाईडीए पंजाब और दीगर अस्पतालों की कयादत भी एहतजाज में शामिल, हजारों मरीज खार दर बदर भटकने पर मजबूर हो गए, बाज अस्पतालों में प्रोफेसर ने मरीजों को चेकअप शुरू कर दिया, हड़ताल की वजह से डॉक्टर समेत 14 अफराद मुअत्तल किए जा चुके। पंजाब हुकूमत के 100 रोज कोई काम नहीं, बस शोर ही शोर, ऐवान वजीर आला और सेक्रेटेरिएट में 52 इजलास हुए, लोकल गवर्नमेंट समेत पंजाब असेंबली में कोई कानून पेश ना हो सका, कायमा कमेटियां वजूद में आ सकी ना 60 अहम तैनातियां हो सकी, सीएम ऑफिस से 712 डायरेक्टोरेट जारी, 340 के करीब सिर्फ डेरा गाजी खान के लिए थे, सेक्रेटेरिएट में पर्ची सिस्टम का राज, 23,000 फाइलें जेर इल्तवा, प्रोटोकॉल बरकरार, नौकरियों के दावे हवा में उड़ा दिए गए, उल्टा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा में अहम पेशरफ, भावलनगर लोधना और ओकाड़ा में प्लॉट्स की बजाय घर बनाने का फैसला, घर बनाने के तरीकाकार और फाइनेंशियल मॉडल के लिए सब कमेटी कायम, वजीर हाउसिंग कहते हैं नए शहर भी बनाएंगे, पहली तरजीह आवाम को सस्ते घर देना है, सियालकोट में 1600 कैनाल पर घर बनाने के लिए नेस्पाक ने लेआउट तैयार कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के इलाकाई बेंचेस के कयाम का मामला, तनाजा हल करने के लिए हाई कोर्ट बार की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील, सदर लाहौर बार अरशद मलिक, एहसन बून, पीर मसूद चिश्ती, आजम नसीर तारड समेत दीगर सीनियर वकला शामिल, सेक्रेटरी लाहौर बार हसन इकबाल वड़ाइज कहते हैं कमेटी इलाकाई बेंचेस के तनाजे का आईनी हल निकालेगी, पर तशद्दुद वाकयात की सपोर्ट नहीं करेंगे। साजिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी का आवाम से राबता नहीं तोड़ा जा सकता, प्रोपेगेंडा के बावजूद पीपल्स पार्टी सिंध की मकबूल तरीन जमात है, पंजाब पहले नून लीग के पास था, पीटीआई के हाथ में है, सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की हाईकोर्ट बार में मीडिया से गुफ्तगू।
सुबह सवेरे रिमझिम, दोपहर को बादलों के डेरे, मौसम सरमा की पहली बारिश से खुश सर्दी उड़न छू, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, महकमा मौसमियात ने वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की खबर सुना दी, तिबी माहरीन ने बारिश को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए मुफीद करार दे दिया, शहरियों को ड्राई फ्रूट, अंडे और सूप के इस्तेमाल का मशवरा। सर्दी की लहर आई, ठंडी हवाएं साथ लाई, वालिदैन को बच्चों की फिक्र सताई, महकमा तालीम ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया, निजी और सरकारी तालीमी इदारे 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। सर्दी बढ़ते ही एलपीजी की भी शदीद किल्लत, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी ब्लैक में फरोख्त होने लगी, मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 160 से 170 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी, एलपीजी का बहरान चंद रोज में खत्म हो जाएगा, हुकूमत एलपीजी की ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर, जेल हुकाम शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से लेकर रवाना, शहबाज शरीफ कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। नैब की जानिब से जायदाद मुंजिमित करने का हुक्म कालदम करार दिया जाए, शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की कंपनी का हाईकोर्ट से रजू, अली एंड फातिमा कंपनी ने जायदाद मुंजिमित करने के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया,